बहुत अच्छा रहा है, टेस्ट नंबर 10 डिस्कशन बहुत अच्छा रहा है सबका टेस्ट, क्योंकि पेपर मैंने जो सेट किया था 8 नंबर मैंने सेट किया था प्री 2012 के मॉडल पे, और टेस्ट नंबर 10 मैंने सेट किया था पोस्ट 2012 के मॉडल पे। मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट टाइप पेपर ओनली टू चेक द राइटिंग एबिलिटी। अभी तक 2-3 ही कापियां हुई हैं जिसमें कि 142 नंबर हाईएस्ट आया है। क्वेश्चंस कोई खास तो थे नहीं, ट्रिकी थे और राइटिंग अप्रोच को चेक करने वाला था। ये पहला क्वेश्चन ये था, डिस्कस द क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट इन डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट डन टू डिसाइड द इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर नेचर ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट का या क्लेजेन रीअरेंजमेंट का या कोई भी एक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल दे देना था कि जब इंटरमोलिकुलर होगा तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और जब इंट्रामोलिकुलर होगा तो केवल 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। सबने अच्छे से किया है, अच्छे मार्क्स भी पाए हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि ट्रिकी थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का था जिसमें कि यह है राइट डाउन प्रोडक्ट NaOET एंड हेयर इट इज फिट केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, प्रोडक्ट इज दिस बट ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी दिस प्रोडक्ट डाइमराइजेज, सो प्रोडक्ट विल बी दिस नॉट दिस। ट्रिकी था। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक एंड, फर्स्ट एंटी एरोमैटिक, सेकेंड नॉन एरोमैटिक। ऐसा मैंने सिलिकॉन का भी पूछा था। इसका अगर सेकेंड पार्ट देखिए तो मैंने सिलिकॉन का भी पूछा था जिसमें मैंने एरोमैटिक बताया था, क्योंकि सिलिकॉन निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होल्ड कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। नॉन एरोमैटिक 6 pi इलेक्ट्रॉन एरोमैटिक। डी पार्ट, व्हेन 7-fluoro-1-3-5 साइक्लोहेप्टाट्राइन इज डिजॉल्वड इन SbF5SO2 स्पेसिस इज प्रोड्यूस्ड विच सो ए सिंगलेट एट 9.2 इन NNMR स्पेक्ट्रा, सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेसिस एंड एक्सप्लेन वाई एब्जॉर्प्शन इज सो फार डाउन फील्ड, दैट इज एरोमैटिसिटी। एरोमैटिसिटी रिंग करेंट SbF5 से जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा जो कि एरोमैटिक है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह ट्रिकी हैं। फ्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया डज नॉट गिव एनिलीन, बट वेन एवर ब्यूटाइल लिथियम इज एडेड एनिलीन इज प्रोड्यूस्ड, गिव एग्जैक्ट रोल ऑफ ब्यूटाइल लिथियम इन दिस रिएक्शन। नाउ सिंस CF bond इज वेरी स्ट्रांग,
therefore benzyne formation does not take place. Benzyne formation does not take place. NH2 minus carbene ion is formed, but benzyne is not formed because it is a stronger bond. But whenever butyl lithium is added, what happens? That lithation take place. Lithation take place. And due to lithation, LIF is released giving benzyne de dega. So exact role is to facilitate the departure of fluoride ion. How carbocation intermediate is detected by isotopic effect? Secondary kinetic isotope effect. Those carbocation which are stabilized by hyperconjugation get affected by secondary kinetic isotope. That is, whenever alpha hydrogen is replaced by deuterium, rate of reaction decreases at least by 1.4 times. आपको सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को डिस्कस करना था. हम देख रहे हैं, हमको ये पता है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके पास ये सलूशन होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन? आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. 2 का ए भी उसी तरह से है. फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डिसरोटेशन, आराम से आ गया. डिसरोटेशन इसमें बताना था आपको, ये अगला स्टेप में 4+2 एडिशन और फिर केलोट्रॉपिक एलिमिनेशन. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट 15 नंबर का था. डेट इज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अम्पुलंग. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अम्पुलंग. डेट इज न्यूक्लियोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन में चेंज करने का एग्जाम्पल है. आपको ये बता देना था. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस बाय KOH. बेंजाइल सबस्ट्रेट अंडरगो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस विथ SN1 मैकेनिज्म. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिज्म ऑफ रिंग. एनी फैक्टर विच मेक ए रिंग इलेक्ट्रॉन रिच विल फर्दर स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, व्हाइल एनी फैक्टर विच डिक्रीजेज
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग विल डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। बस आपको अरेंज कर देना था, 5 नंबर का है, कोई ज्यादा ने की जरूरत नहीं है। प्रपोज ए मैकेनिज्म फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिनाइल हैलाइड अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मोर स्लोली देन बेंजीन बट गिव ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर द प्लस एम इफेक्ट ड्यू टू वन और अदर फैक्टर। इन फ्लोरीन हाउ एवर इट कंटेन 2p ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरी हाई सो डोनेशन टेंडेंसी इज लेस, वाइल इन केस ऑफ अदर हेलोजन देयर इज मिसमैचिंग ऑफ ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज वेरी हाई एट ऑर्थो पोजिशन, एट ऑर्थो पोजिशन देन मेटा पोजिशन देन पैरा पोजिशन, बट वाट एवर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मीजोमेरिक रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इट इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो मेटा पोजिशन फिल नेट डीएक्टिवेशन। दिस एक्सप्लेन दी ओपी ओरिएंटेशन। फिनाइल क्लोराइड इन रिएक्शन विथ NaOH इन ऑटोक्लेव प्रोड्यूसेस फिनोल मेजर बाई फिनाइल ईथर पी फिनाइल फिनोल एच बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट से एक्सप्लेन करना है। प्रीडोमिनेंटली रिएक्शन जो है वो तो SN2Ar मैकेनिज्म से हो रहा है, बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इज ऑल्सो फॉर गिव द मैकेनिज्म डेट इज, इसमें आपको वेजनर मिरविन का पिनाकोल पिनाकलोन का मैकेनिज्म देना था, और क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटायन बनने की, तो आपको दोनों कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को करना था, ये मेजर माइनर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था, और हो सके तो छोटा सा एनर्जी डायग्राम बनाना था। ये SN2Ar मैकेनिज्म है। SN2Ar मैकेनिज्म में कार्बियनायन इंटरमीडिएट बनता है, SN2Ar मैकेनिज्म में कार्बियनायन इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बियनायन इंटरमीडिएट अगर देखा जाए तो कार्बियनायन इंटरमीडिएट जो है, जो फैक्टर कार्बियनायन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। NO2 कार्बियनायन को स्टेबलाइज कर रहा है जबकि CH3 डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो जब NO2 होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, CH3 होगा तो कम। सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉजिकल है, लॉजिकल है। एनर्जी प्रोफाइल बना के दिखा दीजिए, अच्छा होगा। चौगेव रिएक्शन, डी में चौगेव रिएक्शन है,
सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से हो रहा है। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिक्वायर्ड सेवरेल आवर रिफ्लक्सिंग इन एल्कोहलिक KOH वेयर एस टी ब्यूटोक्साइड 1 मिनट में। बस आपको एक्सप्लेन कर देना है, दिस इज E2 एलिमिनेशन। काइनेटिक्स ऑफ E2 एलिमिनेशन इज K2 इनटू सबस्ट्रेट इनटू बेस। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बेस। फॉर इक्वल क्वांटिटी ऑफ बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, फास्ट E2 रिएक्शन। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड देयरफॉर एलिमिनेशन टेक प्लेस एट फास्टर रेट। तो सारे क्वेश्चन काफी लॉजिकल टाइप के हैं, छोटे छोटे लॉजिकल टाइप के हैं। गेम मैकेनिज्म, रेट्रोडियल सेल्डर रिएक्शन, रेट्रोडियल सेल्डर रिएक्शन है ये। ब्यूटाडाइन ऑन ए रिएक्शन विथ BRF प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। 1,4-एडिशन, 1,2-एडिशन। 1,4-एडिशन हो रहा है, 1,2-एडिशन हो रहा है। अब इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। KCP 1,2 प्रोडक्ट इज KCP, 1,4 प्रोडक्ट इज TCP। लो टेम्परेचर पे 1,2 मेजर होगा, हाई पे 1,4 होगा। फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का डायग्राम बना देना है, जैसा कि बनाया हुआ है सॉल्यूशन में। कंपाउंड 1 अंडर गो हाइड्रोलिसिस 3 times मोर फास्टर देन कंपाउंड 2, वाइल कंपाउंड 3 अंडर गो 21 times मोर फास्टर बेस हाइड्रोलिसिस देन कंपाउंड 4। एक में सिस आइसोमर फास्टर जा रहा है, एक में ट्रांस आइसोमर फास्टर जा रहा है। एक SN1 है, बेस हाइड्रोलिसिस SN2 है। रिलीफ ऑफ स्ट्रेन इज दी मेजर फैक्टर। चेयर फॉर्म में बता देना है इसको। राइटिंग अप्रोच इसमें होगा कि SN1 का बता देना है कि एनी फैक्टर विच फैसिलिटेट दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विल इंक्रीज दी रेट ऑफ रिएक्शन। SN2 में बता देना है एनी फैक्टर विच स्टेबलाइजेस ट्रांजिशन स्टेट विल फैसिलिटेट द रिएक्शन। तो ये आपको बता देना था, 15 नंबर का था। पूरी तरह से आपको डायग्राम वगैरह बनाते हुए विच अंडर गो E2 एलिमिनेशन एट फास्ट रेट एंड वाई। फॉर E2 एलिमिनेशन विच इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, बेस अटैक बीटा हाइड्रोजन विथ साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। नाउ डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड प्रोटोन मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम द अपोजिट साइड टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑल्सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन ट्रांजिशन स्टेट बोथ कार्बन एटम मस्ट बी इन सेम प्लेन, डेट इज एंटी पेरी प्लेनर। इन चेयर फॉर्म एंटी पेरी प्लेनर इज डाइएक्सियल। फिर आपको बता देना है जैसे सोल्यूशन में है। एनजीपी से ये E6+4 पाई साइक्लो एडिशन होमोल्यूमो 6+4
हाउ एन आयोनिक पॉलीमराइजेशन इज सुपीरियर देन कैट आयोनिक एंड फ्री रेडिकल? एन आयोनिक पॉलीमराइजेशन, पहले तो बता दीजिए एन आयोनिक पॉलीमराइजेशन क्या है, उसकी मैकेनिज्म दे दीजिए। दूसरी चीज, एडवांटेज क्या है, इसको कभी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, इट गिव लिविंग पॉलीमर। ये मैंने फर्स्ट टेस्ट के भी डिस्कशन में, सेकंड में भी बताया है, ऑर्गेनिक के सेकंड में, लिविंग पॉलीमर है, इसको कभी नहीं टर्मिनेट किया जा सकता, ईजिली स्टॉप किया जा सकता है। वेन एवर वी नीड वी फर्दर एड मोनोमर टू ग्रो दी चेन। सेकेंड थिंग, रीअरेंजमेंट विच इज फ्रीक्वेंट टेक प्लेस इन कार्बोकेटायन, ब्रांचिंग टेक प्लेस इन फ्री रेडिकल ड्यू टू डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, बट इन फ्री रेडिकल ब्रांचिंग नेवर टेक प्लेस इन केस ऑफ कार्बियन आयन। रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस। तो ये दो एडवांटेज हैं। व्हाट इज मोनोमर फॉर बुनाएस? केवल मोनोमर बताना था तो बुनाएस के लिए क्या है, एस्टायरीन 1,3-ब्यूटाडाइन। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश 1-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन ऑन बेसिस ऑफ आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रा? आईआर स्पेक्ट्रा में क्या है, 1-ब्यूटाइन जो है वो एसिमेट्रिकल है, तो सीसी स्ट्रेचिंग का 2200 से 2300 के बीच में एक बैंड देगा, 2-ब्यूटाइन ये बैंड नहीं देगा। एनएमआर स्पेक्ट्रा में 1-ब्यूटाइन जो है वो 3 NMR सिग्नल देगा, जबकि 2-ब्यूटाइन जो है वो 1 NMR सिग्नल देगा। ये आपको बता देना था, 4 नंबर का ये भी है। हाउ विल यू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्जेनोन इंटू साइक्लोहेक्जेनोल इंटू साइक्लोहेक्जेनोन? ये 4 नंबर का है, आप आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं, कि OH का बैंड 3650 से 3550 के बीच में आता है, कार्बोनाइल का बैंड जो है 1715 पे आता है। एज बैंड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, एच साइक्लोहेक्जेनोल कन्वर्टेड इनटू हेक्जेनोन बैंड इंटेंसिटी अराउंड 3650 टू 3550 डिक्रीजेज, वाइल इंटेंसिटी अलोंग 1750 बैंड इंक्रीजेज। वेन एवर बैंड इंटेंसिटी बिकम कॉन्स्टेंट, इट इज एज्यूम डेट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इसको अच्छे से बना के बता देना है। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्ट। हाउ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिटरमाइंड? पार्शियल डिग्रेडेशन विथ डीएनपी और डीएफबी, डाइफ्लोरोबेंजीन और डाइनाइट्रोबेंजीन, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम विच इज स्पेसिफिक टू आइदर सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। जिकलर नेटा कैटलिस्ट गिव मैकेनिज्म, आराम से देख सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ H1Cl35 इज 10.5, वाट विल बी इन DCl? That is rotational constant B is proportional to 1/I. B is proportional to mu r square.
Now, isotopic substitution does not change bond length, but it changes reduced mass, therefore mu r constant. बस अब कर लीजिए, BDCl BHCl इज इक्वल टू म्यू HCl म्यू DCl, म्यू DCl आराम से आ जाएगा 5.34. फोटोक्रोमेटिक शिफ्ट हो रहा है इसमें. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, स्टॉप कंडेंसेशन है ये. सिक्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. That is, first step is cross-aldol, second step Michael addition, that give product B, third step is acidic hydrolysis. In second, first step is 4+2 addition. XS13-butadiene, दोनों साइड हो जाएगा. सेलेनियम हीट एरोमेटाइजेशन, जिंक एसिड क्लीमेंसन रिडक्शन, बन गया आपका प्रोडक्ट. नाउ इन केस ऑफ थर्ड, फर्स्ट स्टेप इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन COCl के साथ, एल्डिहाइड बना कीटोन, डाइनेफ्थाइल कीटोन, NH2OH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑक्जाइन PCl5 बेकमैन रीअरेंजमेंट, कॉन्क HCl एमाइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा एसिड और एमाइन में. एसिड इज सोलेबल, एमाइन इज इनसोलेबल. फिल्टर, फिल्टरेट कंटेन एमाइन. Then scrub synthesis to give the higher derivative of quinolone. Hoffman rearrangement. Amine banega and that amine undergo cyclization to give lactone. Cross collagen. Thereafter beta keto acid bana. बीटा कीटो इस्टर जिस पे मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन पे बेंजाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट एसिड आ जाएगा सी. ऑल द सॉल्यूशंस आर गिवन हियर. इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसा कि हमने फाइनल सॉल्यूशन दिया है उसी अनुसार लिखना है कि एक एक स्टेप वाइज आपको करना है कि कैसे कैसे हम इन्फ्रेंस पे आए हैं. डिटेल क्योंकि 15 मार्क्स का है, पहले सारा रिएक्शन लिखकर
पॉलीएथिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन वेयर एज पॉलीस्टायरीन कैन बिकॉज इथाइल कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबल. रेडिकल प्रीफर टू एड ऑन कार्बन नंबर वन ऑफ आइसोप्रीन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से. इन SBR मोस्ट ऑफ बॉन्ड आर ट्रांस. मैक्सिमम स्टेबिलिटी. हाँ, 1,3-butadiene का 15 नंबर का है. अच्छे से ट्रिपलेट स्टेट में प्रोडक्ट कैसे बदल जाता है. ट्रिपलेट स्टेट में जब बनता है तो टाइम है, तो 4+4 एडिशन हो, 2+2 एडिशन हो सकता है, 4+4 एडिशन हो सकता है, जबकि सिंगलेट स्टेट में केवल इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, साइक्लोब्यूटीन बनेगा. प्रेडिक्ट द केमिकल शिफ्ट एंड मल्टीप्लिसिटी एज सच. हाउ विल यू कन्वर्ट टॉलवीन इनटू पैरा एमिनो इथाइल बेंजोएट. तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रो आ गया पैरा पे, फिर ऑक्सीडेशन, फिर इथाइल एल्कोहल, फिर रिडक्शन. टू प्लस टू एडिशन, HNO इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, बट HNO है तो कौन रोटेटरी नहीं, डिसरोटेटरी. तो ट्रांस ट्रांस है, ट्रांस है तो ट्रांसिस बनेगा. HNO थर्ड में नॉरिस टू क्लीवेज, फोर्थ पेटर्नो बुची एडिशन, बट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है तो कहां पे होगा, CC बॉन्ड पे होगा. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर वही करना है आपको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालकर डिटेल स्टडी करके तब आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा. एल्डिहाइड एंड इथिलीन प्रोटोन को डिस्टिंग्विश करने में NMR कैसे हेल्पफुल होगा, और डिस्कस द स्टडी ऑफ H बॉन्डिंग विथ IR स्पेक्ट्रा. दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट से डेल्टा वैल्यू, इसे एल्डिहाइड का 9.1 है, इथिन का 4.8 है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये 5th टेस्ट में भी था, ये 6th में भी था. सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका अगर ऐसा पेपर आ जाए लॉजिकल, तो आपको क्या करना है कि 5-5 नंबर में कम टाइम देना है. शायद ही हम 8वें में शायद ही कोई क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे हो. अगर 5 नंबर का पूछे भी हो तो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो कोई क्वेश्चन का 1, 2, 3 पार्ट था. लेकिन इसमें इंडिपेंडेंटली 5 नंबर 4 नंबर का पूछ रहे हैं, तो इसमें यही है कि लेंदी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं.
तो इसमें यही है कि पांच और चार नंबर वाले में एप्रोप्रिएट केवल ऐसा आंसर दे जो कि गागर में सागर वाला काम करे, ऐसा भी ना हो कि मेन चीज ना दे पेरिफेरल दे दे। और जो 15 नंबर के हैं उन पे हम टाइम दें, तब हमारा जो है 3 घंटे का यूटिलाइजेशन सही से होगा, तब हमारा 3 घंटे का यूटिलाइजेशन सही से होगा, अदरवाइज सही से नहीं हो पाएगा और हम छोटे क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, या तो हम बड़े क्वेश्चन को करने के चक्कर में ये जो छोटे क्वेश्चन जो बल्क बन रहे हैं, बल्क ही बन रहा है, वो छूट जाएंगे। तो ये हमारा है कि जब ऐसा पेपर आ जाए तो हम क्या करेंगे ऑर्गेनिक में, और आठवां जब वैसा पेपर आ जाए जहाँ की हमारा सिलेक्शन ही हमारा चॉइस, सिलेक्शन ही मेन है, तो ये आपको दोनों ही प्रोज एंड कौन आप दोनों ही पेपर देख लिए हैं, और ऑर्गेनिक में ज़्यादा वेरिएशन बनता नहीं है। तो आप देखिए सल्यूशन सारे क्वेश्चन के इसमें हैं, आप देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से, आठवें को भी और 10th को भी, जो पार्ट वाइज ऑर्गेनिक थे उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके अनुसार फिर काम करिए। ठीक, सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, आफ्टर कंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज आई वांट टू एक्सप्रेस माय ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपियर इन मेन्स 2020 which is going to held in 2021 from 8 January. Chemistry optional will be on 14 or 17. So, all the best. जो भी करिए अच्छे से करिए, और जो नहीं कर सकते हैं उस पे अभी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो अभी आप कर सकते हैं उसको अच्छे से करिए। जीएस और ऑप्शनल के बीच में 4 से 5 दिन का गैप भी है, उस गैप को भी अच्छे से यूटिलाइज करिए। टेस्ट जितने भी टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, खासकर जितने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिए गए हैं या पेरिफेरल के, उनको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और रिवीजन के वक्त आप जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे ख्याल से अब आप केमिस्ट्री बाइंड आउट करेंगे, अब आप बाइंडिंग करेंगे अभी नहीं तो 3 जनवरी से, तो मैं ही कह देता हूँ कि अब ऑप्शनल बाइंड अप कर दीजिए और जीएस का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते 5 दिन तो समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जीएस और केमिस्ट्री के बीच में फिर गैप है। तो एग्जामिनेशन के समय आप पेपर 1 में या पेपर 2 में सबसे पहली बात है कि चॉइस अच्छे से करिए, चॉइस अच्छे से करिए कि जो क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन करना है उसमें 2 तो कंपलसरी है, बाकी 3 आप ऐसे चॉइस करें जो कि जिसमें आप अच्छा रिप्रोड्यूस कर सके। इसमें अगर देखा जाए तो पेपर 1 में थर्मो है, काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है, कोऑर्डिनेशन है, इन सभी सेक्शंस को आप अच्छे से फोकस करिए। फिर आपका जो पेपर 2 है उसमें ये देख लीजिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन सा सेक्शन हम अच्छे से कर सकते हैं, उस सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन करिए, बाकी 2 क्वेश्चन करिए। ऐसा नहीं कि सर बोल दिए हैं कि सेक्शन ए से ही 3 करना है तो सेक्शन ए से ही कर रहे हैं,
तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो कुछ भी ऑर्गेनिक में है वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करिए, जितना ज़्यादा इनपुट हो सके उससे आप स्पेसिफाई करिए। बाकी मैंने ऑर्गेनिक का जो 4, 5 और 6 टेस्ट का वीडियो बनाया है, वो काफ़ी एलाबरेट बनाया है, उसको भी एक बार देख लीजिए एग्जाम के पहले, तो आपको राइटिंग का आइडिया हो जाएगा। फिजिकल में भी राइटिंग का अप्रोच का आइडिया मैंने सभी पेपर में दे दिया है, सभी में इंडिविजुअल मैंने दे दिया है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेसफुल।